स्वास्थ्य है अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। ये बात हर किसी को समझाने के लिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से लगातार कार्यरत है और सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगातार यहाँ पर आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करने का कार्य किया जाता है। नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। हर बार एक नए विषय को आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं। आज भी एक ऐसे ही विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बात करेंगे फीमेल वेलनेस की। आपको बताएंगे कि फीमेल्स कैसे स्वस्थ रह सकती हैं, क्योंकि फीमेल्स की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो वे किसी के साथ भी शेयर नहीं करती, किसी को बताती नहीं है, घबराती हैं, कतराती हैं। लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। तो आप यहाँ संपर्क कर सकती हैं, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी है जो आपकी तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज आपको बता देती है, आयुर्वेद के माध्यम से आपको स्वस्थ कर देती है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, मिसकैरेज हो जाता है, कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो उनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपनी सेक्सुअल लाइफ को ठीक प्रकार से एंजॉय नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेसेस करती हैं। तो आज कैसे इन समस्याओं का निपटारा हो सकता है, कैसे आप इन सब समस्याओं से खुद को बचा सकती हैं, स्वस्थ रह सकती हैं, यही सब जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि आप भी वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज प्राप्त कर सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। खासकर आज का जो कार्यक्रम है वो महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं जब उनको कुछ गुप्त रोग हो जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, कंसीव नहीं कर पाती, बार बार IVF IUI कराती हैं, IVF लगातार फेल होता रहता है। आखिरकार क्या कारण होता है इसका, किस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकती हैं? अगर आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हैं, खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं, उसका क्या कारण है? किस प्रकार से आप अपनी सेक्शुअल लाइफ को इंजॉय कर सकती हैं? किस तरीके से चरम सुख की प्राप्ति कर सकती हैं? कैसे यदि आपके अंदर सेक्स के प्रति इंटरेस्ट कम होता जा रहा है तो कैसे उसको वापस जागृत कर सकती हैं? किस तरीके से ऐसी समस्याओं का सामना करके वापस खुद को अपनी लाइफ पूरे अच्छे तरीके से इंजॉय करने के लिए तैयार कर सकती हैं? ये सारी जानकारियां आज के कार्यक्रम में आपको मिलेंगी। तो लगातार कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और सारी जानकारियां प्राप्त करें। और नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कोई भी समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो वैद्य जी, आज का कार्यक्रम महिलाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। जैसे समय के साथ साथ हम यहाँ उपस्थित होते हैं, महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज बात करेंगे आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार की गई आदर्श रतन गरबा की। तो हम टॉपिक पर जरूर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये जो दवाई है ये किस तरीके से कारगर है। रश्मि जी, इस दवा का फार्मूला हमारे स्वर्गीय दादाजी ने ईजाद किया था और हजारों महिलाओं पर इसका कभी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी जो गुप्त समस्याएं थी, खासतौर से लिकोरिया हो, PCOD की समस्या आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जा रही है, ये हो, अक्सर लेडीज़ अपने कैरियर के प्रति, अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगी, शादी की बहुत ज़्यादा लेट उनकी जो है डेट होने लगी और कई बार पीरियड्स को आगे पीछे करने की दवा लेने लगी। हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने से, बहुत ज़्यादा तनाव पालने से, बहुत ज़्यादा जंक फूड के सेवन करने से अक्सर इस प्रकार की दिक्कत समाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं लिकोरिया। हमारे देश में मोर देन 70-80% महिलाएँ इस बीमारी से ग्रसित हैं और योनि से कोई भी निकला हुआ अप्राकृतिक स्राव लिकोरिया यानी कि प्रदर कहलाता है। ये कई प्रकार का है, वात प्रदर, पित्त प्रदर, नील प्रदर, श्वेत प्रदर, और इस बीमारी से शरीर दीमक की तरह बिल्कुल खोखला होने लगता है। जैसे दीमक हमारे घर को, हमारे कीवाड़ों को खोखला कर देती है, लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी प्रकार यह छोटी सी बीमारी हमारे शरीर को खोखला करने लगती है। और इस बीमारी को लेडीज़ जब ग्रसित होती हैं तो हाथ पैरों में टूटन, शरीर का बहुत ज़्यादा दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, काम करने की इच्छा ना होना, चिड़चिड़ापन होना, चेहरा निस्तेज होना अक्सर देखा जाता है। तो जब ये
बीमारियां किसी महिला को ग्रसित करती हैं और यदि वह इस दवा का रत्नगर्भा का सेवन करे तो हफ्ते भर में उसको रिजल्ट मिलने लगता है। इसके अंदर कुछ बहुमूल्य बहुत सी औषधि हैं और हम अपनी फार्मेसी में हिमालय की ताज़ी जड़ी बूटियों का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें माँ गंगा का पवित्र जल के कारण उसके गुणों का बहुत ज़्यादा समावेश रहता है, गुणों का भंडार होता है, गुण की वृद्धि होती है और दो चार दिन के सेवन करने से ही हमारे शरीर में लाभ दिखने लगता है। तो रत्नगर्भा में इतना कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा हजारों महिलाओं के ऊपर ये प्रयोग हुआ और कभी इसका प्रयोग निष्फल नहीं हुआ। यह दवा महिलाओं के लिए मैं कह सकता हूँ कि कम से कम अमृत तुल्य है। जी हाँ बिल्कुल, अमृत तुल्य तो है ही, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं और लगातार स्वस्थ हो रही हैं और अपनी समस्या से ज़रूर निजात पा रही हैं। तो वैद्य जी, हम विषय पर ज़रूर आएंगे, चर्चा भी करेंगे, फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। जी अनीता बोल रही हूँ। जी अनीता जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी वैद्य जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैम एक्चुअली मुझे दो तीन प्रॉब्लम है, एक तो यूटीआई इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही है मुझे काफी टाइम से। जी मतलब इचिंग वगैरह रहती है और फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है। जी ठीक है, और दूसरा मुझे वेजाइनल ड्राइनेस की भी दिक्कत है काफी ना। ठीक, तो यूटीआई इन्फेक्शन से मैं ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा निकलते फीवर, कभी कभी 103 104 और मतलब ठीक हो जाता है, दवाई लेती हूँ एलोपैथिक ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों में फिर हो जाता है, ऐसे मुझे यूटीआई इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, बार बार होता है। अनीता जी, आप कहीं पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल तो नहीं करते? ये पब्लिक टॉयलेट तो नहीं यूज करते, बट ऑफिस में ये है कि स्टाफ वगैरह का एक ही होता है हमारे यहाँ ना टॉयलेट वगैरह। ठीक, आपकी उम्र कितनी है? ठीक अनीता जी, वैसे तो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है बुखार, आपने कहा बारंबार होता है बुखार, में अक्सर एक बात कहता हूँ कि कोई बीमारी नहीं है, जब भी कोई हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो हमारा प्रतिरोधक तंत्र जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं लड़ाई की कोशिश करता है, इस लड़ाई में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको कहते हैं बुखार। वायरल हो, टाइफाइड हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा तो बुखार आना ही आना है, इसीलिए बुखार को सब बीमारियों का राजा कहते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो बुखार आना ही है। तो आपको जैसे बार बार यूटीआई होता है तो कोशिश करें आप पानी कम से कम 4 से 5 लीटर प्रतिदिन सेवन करें, जंक फूड तले पदार्थ का परहेज रखें, टॉयलेट जैसे आपने कहा कि स्टाफ सब एक ही करता है तो आप सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, और आपने कहा कि उसमें अक्सर जलन भी रहती है तो मैं एक बात कहूँगा आपको, रत्नगर्भा गोली द्वे तुल्य सीता अजमाए, भिष गवरों का मंतव्य है योनि दा मिट जाए, क्योंकि आपने कहा गायनिक पार्ट में जलन खुजली रहती है, तो आप रत्नगर्भा की दो दो गोली दिन में 2 बार मिश्री मिलित जल के साथ सेवन करते रहें तो आपको इस समस्या से निश्चित रूप से निजात मिलेगी। आपने कहा आपकी यूट्रस योनि आपकी ड्राई रहती है तो हमारी बॉडी में लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, लुब्रिकेंट नेचुरल तरीके से बनता रहता है, जब वो बनना कम या ज़्यादा हो जाए तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। आपकी उम्र नहीं है इस तरह की कोई दिक्कत हो, लेकिन बार बार आपको यूटीआई हो रहा है ये ठीक नहीं है, आप पानी ज़्यादा सेवन करें, दो दो गोली नियमित रूप से आप रत्नगर्भा की सेवन करते रहें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, आपका यूटीआई भी क्लियर होगा क्योंकि इसके अंदर शिलाजीत है, शिलाजीत मूत्र तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, आपका पेशाब खुल के आएगा, और साथ में आप खटाई मिर्च मसाले तले पदार्थ पूर्णतया परहेज रखें, पानी जितना ज़्यादा सेवन करेंगे, पानी के साथ साथ हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का सूप है, फल है, फलों का रस है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जितना हमारी बॉडी से फ्लशिंग होगी इन्फेक्शन उतनी जल्दी दूर होगा, तो जितना आपको पेशाब आएगा आपके लिए उतना ही अच्छा, आप पानी का ज़्यादा प्रयोग करते हुए रत्नगर्भा को नियमित रूप से सेवन करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कि इनकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप रत्नगर्भा घर बैठे मंगवा सकती हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार की गई आदर्श रत्नगर्भा बहुत ही लाभकारी है और इसको मंगाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है, आप घर बैठे बैठे इसको ऑर्डर कर सकती हैं, बस एक क्लिक पर आप इसको ऑर्डर कर सकती हैं, अमेज़न इंडिया मार्ट ई कॉमर्स के माध्यम से आप इसको ऑर्डर कर सकती हैं, इसके साथ ही पेमेंट भी करना
बहुत आसान है, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अन्य प्रकार से आप पेमेंट कर सकती हैं। तो जल्द से जल्द इसको मंगवा लें और बाकी की महिलाएं बहनें भी ज़रूर इसको मंगवा लें, इसका सेवन कर लें। यदि आपको बेबी नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर कोई अन्य प्रकार का गुप्त रोग है, तो ज़रूर इसको मंगवा लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, जैसे कि कहा जाता है आजकल की जो जीवन शैली है बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो आपका क्या मानना है कि आजकल की जीवन शैली के कारण महिलाओं को क्या गुप्त रोग ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं? रश्मि जी, कई कारण हैं। एक कारण, आज बहुत कम आयु में ही वह ज्ञान मिलने लगा जो बचपन में नहीं मिलता था, जवानी में जा कर के मिलता था। और आपने देखा होगा, कच्चे ही फल यदि टूट जाएं, उसको हम किसी भी तरीके से पका लें, वह स्वाद और वह गुण उसके अंदर नहीं आते। दूसरा, लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कई बार झेल लेती हैं। टॉयलेट के कारण पेशाब बहुत ज़्यादा जब करती हैं, टॉयलेट में जाकर के पब्लिकली टॉयलेट उनको यूज़ करना पड़ता है, अक्सर उनको इन्फेक्शन तेज़ी से क्लिक करता है। जंक फूड हुआ, स्ट्रेस हुआ, तले भुने पदार्थ बहुत ज़्यादा हुआ। और एक आपको मैं बताऊं, आज के समय में लैपटॉप इत्यादि जो हम जांग पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है, उसका बहुत मोटा नुकसान है। जेंट्स में स्पर्म की काउंटिंग कम होने लगती है और लेडीज़ में अक्सर इस प्रकार की दिक्कत होती है। उनको गर्मी ज़्यादा मिलने के कारण यूटरस अफेक्टेड होने लगता है और उन अंडा भी अफेक्टेड होता है। जब उनको ओवुलेशन होता है, तब खास तौर से इस प्रकार की दिक्कत तेज़ी से बढ़ती है। और मैं एक बात कहूँगा कि कई बार लेडीज़ पानी कम सेवन इसलिए करती हैं कि उनको पेशाब जाने की दिक्कत होती है, टॉयलेट जाने में उनको परेशानी महसूस होती है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे या टॉयलेट में सफाई नहीं होती। उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि उनको पानी अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। और सोशल मीडिया में कुछ साइट बहुत गलत हैं, उनको देखने से बचना चाहिए, जंक फूड, तले पदार्थ, खटाई इत्यादि से बचना चाहिए, और उनका सोना, उनका जागना नियमित रूप से होना चाहिए। और एक बात मैं लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अक्सर एक बात कहता हूँ, पहले रखो स्वास्थ्य का ध्यान, उसके बाद करो सब काम। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं। दिन भर चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और आज मैं पिछले 2-3 साल से एक रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि आज के समय में कुछ बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल। अक्सर लोग मोबाइल को टॉयलेट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका ध्यान टॉयलेट की तरफ कम और अपने गेम्स या मोबाइल्स की तरफ ज़्यादा रहता है। हम अपने हाथ पैर तो धो लेते हैं, लेकिन मोबाइल गंदा का गंदा रहता है, जिसके थ्रू हमारे शरीर में बैक्टीरियाज बार बार पुनः आने लगते हैं और हम जल्दी से बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो बीमारी से ग्रसित ना हो, उसके लिए हमको मोबाइल को टॉयलेट में बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वैद्य जी, हम आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे, फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। मेरा नाम शेफाली है। जी शेफाली जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? आंध्र प्रदेश। जी बताइए, क्या सवाल है आपका वैद्य जी से? वैद्य जी सुन पा रहे हैं आपको? जी नमस्कार वैद्य जी, मेरा जी, सवाल है देवी। कि मेरी शादी को 5-6 साल हो चुके हैं जी, है ना, तो मैं काफी टाइम से गर्भ निरोधक गोलियां मैं ले रही हूँ जी, तो मैं जानना चाह रही थी क्या इसका प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ेगा किसी नेगेटिविटी के उससे? जी शेफाली जी, किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपकी उम्र अभी शादी हुई है, 5-6 साल हुए हैं, अभी आपके बच्चे नहीं हैं, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, लेकिन लंबे समय मैं कहूँगा अभी ना लें, क्योंकि आपको कंसीव भी आगे करना ही होगा, फिर आगे कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं कहूँगा कि अभी आप इस प्रकार के प्रयोग से बचें, और ये प्रयोग तब करना चाहिए कि जब हमको बच्चे ना चाहते हों। आपकी बहुत आइडियल उम्र है, मैं कहूँगा कि आप इसको अब रोक करके कंसीव करें और अपनी जिंदगी की नैया आगे बढ़ाएं। और कुछ कहना आपने? बाकी मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, उसमें मुझे पूरा दिन जो है जीन्स वगैरह में ही रहना पड़ता है जी, जिस वजह से मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी काफी बढ़ गई है जी। शेफाली जी, यदि आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, देखो कई बार तनाव से, बहुत ज्यादा तले भुने पदार्थ इत्यादि खाने से, बहुत ज़्यादा भूख मारने से, तब ये दिक्कत बन जाती है। और कोई भी हमारे शरीर से धातु का क्षय हो, तो
तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा आदि में शुक्र औरत में रजिस का निर्माण होता है। दूध, दूध से दही, दही से मट्ठा, मट्ठे से मक्खन, मक्खन से घी, घी जैसे दूध का सार है, इसी प्रकार ये धातु भी हमारे शरीर का सार है। जब इनका 6 ज़्यादा होने लगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है, कमर में, पैरों में हड्डियाँ दर्द करने लगती हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप रत्न गरबा की 2-2 गोली दिन में 2 बार दूध के साथ या पानी के साथ सेवन करें और साथ में मिर्च मसाले, खट्टे तले पदार्थ इत्यादि से बचें। और कुछ कहना आपने? सुन पा रही हैं आप हमें? जी जी हाँ। जी कुछ और पूछना चाहती हैं वैद्य जी से? मैम हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये दवाई हमें मंगाना हो तो हम कहाँ से मंगवा सकते हैं? देवी जी आप इनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आप अमेजन पर या ई स्टोर के थ्रू हमसे मंगा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपका हमारे यहाँ पर तो होगा ये क्लिनिक वगैरह? नहीं, क्लिनिक आपकी तरफ तो नहीं है, लेकिन आप ई स्टोर के थ्रू या अमेजन के थ्रू ऑर्डर करें, आपके घर पे दवाई पहुँच सकती है, आप इसको मंगा लें। ठीक है सर, वैद्य जी ठीक, धन्यवाद। तो वैद्य जी हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं इस पर विस्तार पूर्वक और भी चर्चा करेंगे और लगातार जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की, उन्होंने क्या कहा। जी नमस्ते, मेरा नाम कुसुम अहूजा है और मैं नागपुर से हूँ। मेरी शादी को 10 साल हुए थे लेकिन हमें बेबी नहीं हुआ। शुरू के 3-4 साल तो हमने ट्राई नहीं किया था, उसके बाद जब ट्राई किया तो मैं कंसीव नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने तरह तरह के इलाज किए, दवाइयाँ की, डॉक्टर्स को दिखाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद हमने IUI और IVF 2 बार कराया लेकिन वो सब फेल रहा। तो उसके बाद हम पूरी तरह टूट चुके थे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। फिर एक बार मैं घर पर बैठी थी और TV पे डॉक्टर दीपक कुमार वैद्य का प्रोग्राम चल रहा था जो हरिद्वार से था, और उसके बाद हमने उनसे कंसल्टेशन किया, मैंने उनसे बात किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं उनका ट्रीटमेंट लूँ तो कंसीव होने के चांसेस हैं। तब हमारे मन में एक आशा की किरण जागी और हमने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर दीपक कुमार से ट्रीटमेंट लेंगे। उसके बाद मैंने सर से ट्रीटमेंट भी लिया और लगभग 3 से 4 महीने ही मैंने ट्रीटमेंट लिया था और मैं कंसीव हो गई। तो उसके बाद मेरा एक हेल्दी बेबी बॉय बॉर्न हुआ 2018 में और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है क्योंकि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और एक हेल्दी बेबी भी मिला। और मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनके ट्रीटमेंट की बदौलत आज मैं माँ बन पाई हूँ। तो सर थैंक यू सो मच। तो वैद्य जी ये थी कुसुम अहूजा जी जो कि नागपुर से थी। इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं और इनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे जिस टाइम ये आपके पास आई उस टाइम इनकी क्या कंडीशन थी और आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया। रश्मि जी, पुरुष पूजे देवरा, तिया पूजे रघुनाथ, कही रहीम दो ऊन पड़े पड़ो बैल के साथ। यानी के पुरुष तो देवताओं को, देवी को और तंत्र इत्यादि को पूजता है, स्त्री श्री राम यानी कि रघुनाथ को पूछती है। लेकिन यदि दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाए तो हमारे जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलने लगती है। इन बहन जी ने, आहूजा जी ने शुरू में कंसीव के बारे में नहीं सोचा, अपनी ज़िंदगी का आनंद सभी लोग लेने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद जब कंसीव करने की इच्छा हुई तो कंसीव ये नहीं कर पाए। इन्होंने हार्मोनल ट्रीटमेंट भी लिया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी लिया, उसके बाद IUI या IVF इन्होंने यूज़ किया, प्रयोग में लिया, दोनों के दोनों फेल हो गए। काफ़ी महंगे प्रोसेस हैं, आदमी तन मन धन तीनों से बहुत बुरी तरह से टूटता है। उसके पश्चात इनका संपर्क मेरे से हुआ और मैंने इनको भगवान के आशीर्वाद से रत्न गरबा और कामनी मुंडन रस इन दोनों गोलियों का 2 बार, 2-2 गोली 2 बार दूध के साथ प्रयोग कराई और साथ में कुछ और दवाई भी दी। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको कंसीव हुआ और इनको बच्चे प्राप्त हुए। और रत्न गर्भा के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी प्रकार की गायनिक ट्रबल हो, खास तौर से लिकोरिया हो, PCOD की समस्या हो, या एग सही समय ना बनता हो, या एग का सही साइज ना हो, या एग
रैप्चर सही समय पर ना होता हो तो कामनी मुंडन के साथ इसका सेवन बहुत अच्छा लाभ देता है। मैंने इनको रत्न गर्भा प्रयोग में दी, दिन में दो बार इन्होंने सेवन करी और इनको बहुत लाभ मिला, बच्चे प्राप्त हुए। आपने देखा अब ये काफ़ी हंसमुख हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हैं और जब किसी को कोई उसकी मन चाही इच्छा मिल जाए, हर महिला का सपना होता है माँ बनना और इनका सपना पूरा हुआ, आपने देखा अब ये काफ़ी प्रसन्न है। जी हाँ वैद्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इनके बारे में भी हमें बताया और ख़ासकर आपने इनको स्वस्थ किया और इनकी सूनी झोली को भर दिया, इनकी खाली गोद को भर दिया, क्योंकि यदि घर में संतान नहीं होती तो घर आंगन सब कुछ सूना सूना लगने लगता है। इवन उनके पास गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ होता है लेकिन संतान नहीं होती तो वह सब भी बेकार लगता है। और आपने इतना अच्छा कार्य किया, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से इनके घर का सूनापन समाप्त कर दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कार्य किया। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, यदि आप भी ऐसी समस्याओं से जूझ रही हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप जरूर संपर्क करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं बहनें हैं जिनको मिसकैरेज हो जाता है, पीरियड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर अगर सेक्सुअल लाइफ की बात करें तो उसको ठीक प्रकार से इंजॉय नहीं कर पाती है, या तो सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है या फिर इच्छा समाप्त हो जाती है, या फिर उनको सेक्स के दौरान दर्द का सामना करना पड़ता है, ईचिंग हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में, आप जरूर संपर्क करें, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आदर्श रतन गर्भा ये किस प्रकार से मददगार साबित होती है उन महिलाओं के लिए जिनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है। रश्मि जी, इस रतन गर्भा में बहुत ही कुछ बहुमूल्य दवाएं हैं जिनका मैं संक्षेप में बताता हूं, जैसे कि तेजपत्र, यह गर्भाशय की तो शुद्धि करता ही है और उसकी शिथिलता को भी दूर करता है। और रतन गर्भा का मुख्य घटक एक छोटी इलायची भी है जो कि यूटीआई में यानी कि पेशाब के इन्फेक्शन में और यूरिनरी तंत्र में कहीं कोई इन्फेक्शन हो उसको भी दूर करता है। बंस लोचन, ये स्त्री जाति का जो बांस होता है उसकी गांठ में जो कैल्शियम जमा हो जाता है उसको कहते हैं प्योर कैल्शियम यानी कि बंस लोचन। मार्केट में बंस लोचन डुप्लीकेट काफ़ी आता है जो कैल्शियम सिलिकेट है लेकिन वह इतना काम नहीं करता। असली बंस लोचन 1500-1600 रुपये किलो है लेकिन गुण यही है, ये कैल्शियम होने के साथ साथ हमारी हड्डियां तो मजबूत बनाता ही है और हमारे शरीर में बल देता है और ब्लड को शुद्ध करता है। कैल्शियम का बहुत ही अच्छा और सस्ता स्रोत भी है लौह भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म। जब महिलाओं में आयरन की कमी हो जाए, पीरियड्स बहुत ज़्यादा होने लगे या गायनिक पार्ट के थ्रू हमारा बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया की दिक्कत हो तो शरीर में कमजोरी आने लगती है, उसमें बंसलोचन के साथ साथ स्वर्ण माक्षिक और लौह भस्म बहुत अच्छा कार्य करता है और हमारे अंदर शरीर के अंदर जो खून की कमी हो जाती है उसको भी दूर करता है। और एक जो इसका प्रमुख घटक है जिसके लिए अक्सर मैं कहता हूँ, नै सो अस्ति रोगी भ्रुवि साध्य रूप शिलाहित यन्न जयते प्रसंग, यानी कि संसार में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो शिलाजीत के सेवन से विधिपूर्वक और नियम पूर्वक यदि हम सेवन करें नष्ट ना हो, क्योंकि शिलाजीत का सेवन यूट्रस के फंक्शन को एक्टिवेट रखता है। और शिलाजीत के लिए कहा भी है, रसो परक सुतेंद्र रत्न लोहसु ये गुणा वासांतीते शिलाघातो जरा मृत्यु जिघिषया। शिलाजीत के नियम पूर्वक विधि पूर्वक सेवन करने से मधुमेह जैसी कष्ट से कष्ट बहुत बुरी बीमारी भी और मोटापा जैसी बीमारी भी दूर होती है और उसको 100 साल से पहले मृत्यु प्राप्त नहीं होता, जरा मृत्यु उसको नहीं प्राप्त होती। और साथ ही साथ शिलाजीत हमारी आयु की बल की वृद्धि करता है, हमारे यूट्रस के फंक्शन और यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस एक्टिवेट करता है। चिरायता, गिलोय, गिलोय त्रिदोष नाशक है, इसको अमृता भी कहते हैं और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके हम गिलोय को यदि नियमित रूप से सेवन करें तो हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स दूर होते हैं। इसके लिए काव्य है, हरड़ बेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होई। दालचीनी, इसके अंदर एंटर ट्यूबरक्लोसिस गुण बहुत ज़्यादा हैं। गायनिक पार्ट में यदि कोई टॉर्च पैनल के थ्रू पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा हो, रूबेला पॉजिटिव हो, तो उसको भी यह नष्ट करता है। और हरड़ बेहड़ा आंवला जिसको कहते हैं त्रिफला, सौंठ काली मिर्च पीपल जिसको कहते हैं त्रिकटू,
धनिया, ये मूत्रल है, पेशाब खोल के लाता है और साथ ही साथ हमारी अवटू यानी कि थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट रखता है और गुग्गुल जॉइंट्स और मसल्स को ये बहुत मजबूत बनाता है और साथ में नागरमोथा ये संग्रहणी दूर करता है। बच यदि हम सेवन करते रहें तो कोई बच्चा तुतलाता हो, हकलाता हो, जवान उसकी बिल्कुल क्लियर होने लगती है। तो इन गुणों से, इन दवाइयों से भरपूर है अपनी रत्नगर्भा। यदि कोई महिला इसको सेवन करती रहे तो उसका मासिक चक्र नियमित होता है, उसके पीसीओडी की दिक्कत या पीसीओएस की दिक्कत या उसको प्रीमैच्योर सिंड्रोम या मीनोपॉज के सिंड्रोम जो उभर रहे हों उससे उसको मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ कंसीविंग के चांस बहुत अच्छे बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों तक विस्तार में ये सारी जानकारियाँ पहुँचाई हैं। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि इतनी सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, हर समय खुद को आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ा हुआ रख सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपको जुड़ना भी चाहिए क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं, स्वस्थ हो पाते हैं, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से। तो अभी जाएं YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp या फिर LinkedIn पर जाकर अभी फॉलो कर लें ताकि सारी जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। लगातार सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वैद्य जी, समय आ चला है हमारे दर्शकों की बेसब्री को दूर करने का, यानी कि आपके प्यारे से दोहे का। रश्मि जी, रतन गर्भा अति लाभ कर, गो दुग्ध मिले जरूर, द्वे गुटी द्वे बार सेवन, प्रदर रोग हो दूर। यानी कि यदि हम रतन गर्भा की दो दो गोली दिन में दो बार दूध के साथ सेवन करते रहें तो हर प्रकार के प्रदर से और योनिगत रोग से मुक्ति मिलती है। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और आप लगातार उनको स्वस्थ करने का कार्य कर रहे हैं और आप यहाँ आते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है और अभी तक अनगिनत लोगों को स्वस्थ कर चुका है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? यदि आप यहाँ वहाँ घूम घूम कर थक चुके हैं, लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, फिर भी अस्वस्थ हैं, तो आप भी स्वस्थ काया की प्राप्ति कर सकते हैं आरोग्य यानी कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़कर। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वैद्य जी से बात करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसी के साथ ही आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार की गई आदर्श रतन गर्भा मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि ये दवाई किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि महिलाएं, बहुत सारी मेरी बहनें IVF IUI करवा कर थक चुकी हैं, IVF फेल हो गया है, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है या फिर किसी प्रकार का कोई अन्य गुप्त रोग है, तो ज़रूर इसको मंगवाएं, इसका सेवन करें। आप इतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, आप यकीन नहीं कर पाएंगी कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया, और जब जीवन में बदलाव आता है तो वो ईश्वर के चमत्कार से कम नहीं होता। तो आप भी इसका सेवन कर सकती हैं, इसको मंगवा सकती हैं। इसको मंगवाना बहुत आसान है, आदर्श रतन गर्भा, याद रखिएगा आदर्श रतन गर्भा, इसको मंगवाना बेहद आसान है। आप इसको Amazon, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकती हैं और बहुत ही आसानी से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकती हैं। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, आप सभी से होगी मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार।